ये आप सब जानते हैं कि संसद में आंकड़े सरकार के पक्ष में हैं, सरकार को कोई खतरा नहीं। इसके बावजूद विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया, इसकी इनसाइड स्टोरी आगे हम आपको बताने वाले हैं। और अगली रिपोर्ट होगी पॉलिटिक्स में नई फकीरी की, जिस पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपना दावा ठोक दिया। आखिर गहलोत का ये फकीर दाव क्या है, इसकी भी इनसाइड स्टोरी आपको आगे जरूर देखनी चाहिए। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं संसद में आए अविश्वास प्रस्ताव की खबर से। संसद में एक मुकाबला विपक्ष कल हार चुका है, अब अविश्वास प्रस्ताव के रूप में वो फिर सरकार से दो दो हाथ करने पर उतरा हुआ है। आखिर विपक्ष का इरादा क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन का पूरा गेम प्लान क्या है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष महोदय फिर ये नहीं चलेगा, यदि वो हल्ला करेंगे हाउस नहीं चलेगा। इन मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ, क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? बताइए, एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष, बताइए। यदि वो हल्ला करेंगे हाउस नहीं चलेगा। यहाँ संसद में इन 72 घंटों में क्या होने जा रहा है, सावरकर भी डूब गए, आप सावरकर हो भी नहीं सकते। क्या ये 72 घंटे मोदी सरकार के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा है? न धृतराष्ट्र बचा, न दुर्योधन बचा, न भीष्म पितामह बचे, आप में से कोई भी बचेगा 2024 में आप लोग कोई वापस नहीं आएगा, हम 400 सीट के साथ वापस आएंगे। आखिर इन 72 घंटों की बहस का अंजाम क्या होगा? आज वो मणिपुर क्यों नहीं, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। इन 72 घंटों के लिए विपक्ष का गेम प्लान क्या है? क्या इन 72 घंटों में मोदी सरकार के लिए कोई खतरा है, या ये विपक्ष का सिर्फ एक राजनीतिक दाव है? ये मोदी सरकार के प्रति अविश्वास का टेस्ट है, या विपक्ष की अपनी ताकत के विश्वास का टेस्ट है? 72 घंटों में शक्ति प्रदर्शन के नतीजे का क्या होने जा रहा है, वो हम आपको 3 दिन पहले ही दिखाने जा रहे हैं। यहाँ जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। एक तरफ मोदी सरकार और दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया, और दोनों के बीच शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बनी है संसद, और सामने है कई बड़े सवाल। सवाल ये है कि जब विपक्ष के पास संख्या बल है ही नहीं, तो फिर ये अविश्वास प्रस्ताव लाया क्यों गया? सवाल ये भी है कि जब अविश्वास प्रस्ताव के नतीजे को लेकर किसी को कोई शंका नहीं है, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव आया क्यों? ये समझने से पहले लोकसभा में नंबर गेम को समझना जरूरी है। लोकसभा में सांसदों की मौजूदा संख्या है 538, बहुमत का आंकड़ा है 270, सरकार के साथ है 365, सरकार के खिलाफ है 155, जिनका स्टैंड साफ नहीं वो सांसद हैं 18। नंबर गेम देखकर किसी को भी शक नहीं कि प्रचंड बहुमत वाली मोदी सरकार को कहीं कोई खतरा नहीं, विपक्ष के पास सरकार से आधे नंबर भी नहीं है। फिर भी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास लाने का क्या मकसद है, आखिर अविश्वास प्रस्ताव के पीछे विपक्ष का गेम प्लान क्या है? मोदी सरकार के खिलाफ 5 साल में दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया? अविश्वास प्रस्ताव का रिजल्ट क्या होगा, ये सरकार ही नहीं समूचे विपक्ष को भी भली भांति मालूम है, लेकिन विपक्ष इसके जरिए बहुत सी चीजें पुख्ता कर लेना चाहता है। ये मोदी सरकार के प्रति अविश्वास से ज्यादा खुद विपक्ष की अपने भीतर विश्वास की टेस्टिंग है। इससे ये हुआ कि विपक्ष को मोदी सरकार के खिलाफ संसद में सीधे अटैक का मौका मिल गया। अब मणिपुर मुद्दे पर पीएम मोदी को संसद में बयान देना पड़ेगा, इसके जरिए विपक्ष की एकजुटता का परीक्षण भी हो जाएगा। यही नहीं, विपक्ष अपने असली सहयोगियों की पहचान भी कर लेगा। इस बहस के जरिए इंडिया गठबंधन की ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है,
ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में कौन किसके साथ है। ये आंख कांधा नाम नयन सो सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं लेकिन नाम क्या रखा है? इंडिया। इंडिया नाम का सियासी गठबंधन दिल्ली वाले विधेयक पर अपनी ताकत की पहली टेस्टिंग कर चुका है। राज्यसभा में दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग वाले बिल पर सरकार के पक्ष में 131 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 102। इस रिजल्ट की चर्चा आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विपक्ष का सेमीफाइनल का मन था और कल सेमीफाइनल हो गया, इसका नतीजा सबके सामने है। दिल्ली वाले बिल पर मोदी सरकार भले ही संसद में जीत गई, लेकिन राज्यसभा में जीत का ये फासला थोड़ा कम भी हो सकता था। वोटिंग के दौरान जयंत चौधरी और कपिल सिब्बल की गैर मौजूदगी से विपक्षी एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग वाले बिल पर कुछ सांसदों की अनुपस्थिति से विपक्ष में बिखराव की अटकलें लगने लगी हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक समीकरणों पर छाई धुंध भी छटने लगी। मसलन बीजू जनता दल ने सरकार का साथ दिया, यानी उसकी इंडिया गठबंधन में नो एंट्री कंफर्म हो गई। वाईएसआर कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को वोट दिया, यानी इसकी पुष्टि हो गई कि जगन मोहन रेड्डी भी विपक्ष के साथ खड़े नहीं हैं। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पीछे भी विपक्ष का इन्हीं संभावनाओं और आशंकाओं की परख करने वाला गेम प्लान हो सकता है, क्योंकि पूरा गेम 2024 का है। हालांकि कांग्रेस इसके बहाने मणिपुर मुद्दे पर सरकार की घेरेबंदी कर रही है। सर, साफ साफ तीन सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला, आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए? सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? जमीन पर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इसीलिए विपक्ष मणिपुर हिंसा पर अविश्वास प्रस्ताव के बहाने मोदी सरकार के खिलाफ माहौल और मोमेंटम बनाना चाहता है। कुछ ऐसी ही कोशिश 2018 में विपक्ष ने की थी। तब अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए पीएम मोदी विपक्ष पर भारी पड़े थे। इस बार भी प्रधानमंत्री का जवाब अभी बाकी है। आप इतनी तैयारी करो कि 2023 फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। तो संसद में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार के विश्वास का टेस्ट कर रहा है। वहीं राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत खुद अपनी सरकार के भरोसे का टेस्ट जमीन पर उतर कर ले रहे हैं। राजस्थान में साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव हैं। यहां हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज है और इसे बदलने के लिए गहलोत पूरा जोर लगा रहे हैं। इस जोर आजमाइश में गहलोत ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी से भी बड़ा फकीर बता दिया। आइए देखते हैं गहलोत के इस फकीरी दाव की इनसाइडर स्टोरी क्या है। जादूगर मैं हुई अंतिम साल तक मैं राष्ट्र की सेवा करूंगा। मुझे कोई राज नहीं। मोदी जी मैं आज बड़ा फकीर हूं। जादूगर, प्रथम सेवा, फकीर, राजनीति में ये शब्द आपने किसी और की जुबानी भी सुने होंगे, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावी साल में इन शब्दों की जादूगरी दिखाने के मूड में हैं। गहलोत राजस्थान का चुनावी रिवाज बदलने के लिए रण में उतर चुके हैं और उन्होंने तो अपना मुख्य प्रतिद्वंदी भी खुद ही तय कर लिया है। राजस्थान में ये भी विधानसभा चुनाव पीएम मोदी सरकार की उपलब्धियों और पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अभी से पीएम मोदी को निशाना बनाना और अपनी सरकार का बखान करना शुरू कर दिया। दरअसल 2023 के शुरुआत से ही प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। इस साल 6 बार पीएम मोदी राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। 28 जनवरी को पीएम ने भीलवाड़ा के आसिंद में सभा की थी। 12 फरवरी को पीएम ने दौसा में सभा की थी। 10 मई को पीएम मोदी ने सिरोही के आबू रोड में सभा की। 31 मई को पीएम अजमेर पहुंचे थे। 8 जुलाई को पीएम बीकानेर दौरे पर पहुंचे थे।
27 जुलाई को पीएम मोदी सीकर पहुंचे थे। सीकर के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरा था। लाल डायरी के बारे में सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। प्रधानमंत्री ने चुन चुन कर वो मुद्दे उठाए जो सीएम अशोक गहलोत को चुभते हैं, चाहे मुद्दा करप्शन का हो या पेपर लीक का। हर मुद्दे पर पीएम मोदी ने गहलोत को घेरा, इसीलिए अब गहलोत खुद पीएम के खिलाफ मोर्चे पर हैं। मोदी जी कहते मैं फकीर हूँ, मोदी जी मैं आपसे बड़ा फकीर हूँ, आप देश के अंदर कभी डेट आप रिपीट नहीं करते और मैं मेरी डेट वही रखता हूँ। आखिर अशोक गहलोत क्यों पीएम मोदी को निशाना बना रहे हैं? गहलोत क्यों पीएम मोदी के बरक्स अपनी सरकार और अपने कामकाज का ब्यौरा पेश कर रहे हैं? इसे समझने के लिए राजस्थान का मूड समझना होगा। 27 जुलाई को एबीपी न्यूज ने सी वोटर का राजस्थान का ओपिनियन पोल दिखाया, जिसमें पूछा गया पीएम मोदी के दौरे से बीजेपी को क्या फायदा होगा, तो लोगों का जवाब देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से बीजेपी को फायदा होगा, जवाब आपके सामने। हाँ कहने वाले 62% लोग हैं, नहीं कहने वाले 30% लोग और पता नहीं ऐसा कहने वाले 8% लोग हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान में पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी कितनी है, इसका अंदाजा सर्वे के सवाल से भी लगता है कि प्रधानमंत्री के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं। बहुत संतुष्ट ऐसा कहने वाले 55% लोग मिले, जबकि कम संतुष्ट ऐसा 27% लोगों का मानना था। असंतुष्ट कहने वाले 17% लोग भी हमें मिले, लेकिन बहुत संतुष्ट ऐसा कहने वाले 55% लोग मिले, यानी आधे से भी अधिक। यानी राजस्थान के चुनाव में पीएम मोदी एक्स फैक्टर हैं, इसीलिए गहलोत प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। कहने चेहरा कुछ नहीं होगा, मोदी जी चेहरा होंगे राजस्थान में, तो मोदी जी आएंगे सड़कें बनाने के लिए, मोदी जी आएंगे पेटी खोलने के लिए, मोदी जी आएंगे कॉलेज खोलने के लिए, मोदी जी आएंगे तहसील खोलने के लिए, मोदी जी आएंगे एटीएम लगाने के लिए, मोदी जी आएंगे। गहलोत के सामने राजस्थान का इतिहास है, हर 5 साल में सरकार बदलने की रवायत है। इस रिवाज को बदलने के लिए गहलोत ने चुनावी साल में लोक लुभावन योजनाओं की शुरुआत कर दी। अप्रैल 2023 में गहलोत सरकार ने इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी स्कीम की शुरुआत की। अप्रैल 2023 में महंगाई राहत कैंप की शुरुआत की गई। जून 2023 में 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया गया। इन योजनाओं के जरिए गहलोत चुनावी फिजा को अपने रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं। लोक लुभावन स्कीम से क्या कांग्रेस ने चुनावी माहौल अपने पक्ष में किया है? 46% लोगों ने हां में जवाब दिया है, जबकि नहीं कहने वाले 45% लोग, यानी यहां पर कोई ज्यादा फासला नहीं है। गहलोत अब ऐसी योजनाओं का जोर शोर से प्रचार करते हैं। लोगों पेंशन दे रहे हैं, 1,000 रुपए पेंशन की गारंटी में देती है सबको, कम से कम 1,000 की पेंशन मिलेगी। सब में साथ में बिजली में पानी में कमी आ रही, किसी भी मालूम संकट और सड़कों में 1,40,000 किलोमीटर सड़कों में। पीएम पर अटैक और अपनी सरकार के प्रचार के बहाने गहलोत अपने लिए बतौर सीएम एक और टर्म की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन इस बार उन्हें चुनौती पार्टी के अंदर से भी मिल रही है। हालांकि एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर का 27 जुलाई 2023 का सर्वे बता रहा है कांग्रेस के नेताओं में गहलोत सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। कांग्रेस को किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए, जब ये सवाल पूछा गया, अशोक गहलोत कहने वाले 41% लोग सबसे ज्यादा, पायलट कहने वाले 30% लोग, दोनों नहीं ऐसा भी कहने वाले 23% लोग हमें मिले, पता नहीं जवाब देने वाले 6% मिले, लेकिन अशोक गहलोत आप देखेंगे कि इस पायदान में सबसे ऊपर हैं। इसीलिए गहलोत अपनी पार्टी को भी संदेश दे रहे हैं। मैं कई बार सोचता हूँ मुख्यमंत्री पद को मैं छोड़ दूं, पर मुख्यमंत्री पद मुझे छोड़ नहीं रहा है, नहीं आता छोड़ दे, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है और हाईकमान फैसला करे वो मेरे मंजूर है। राजस्थान की राजनीति में जादूगर कहे जाने वाले गहलोत रण में उतर चुके हैं।
सूबे का रिवाज बदलने के लिए गहलोत अब सीधे पीएम को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि खुद उन्हें अपनी पार्टी में चुनौती मिल रही है।